वेलकम बैक टू माय चैनल यूजफुल प्रोडक्ट्स। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को आपने देखा होगा, ये है सर्ज मैक्स कैप्सूल जो कि मार्स वाई जीएससी की तरफ से आते हैं। और इससे इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से कुछ महीने पहले, तो उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो उस वीडियो पर आप लोगों ने बहुत सारे मुझे कमेंट करे थे, तो आप सभी लोगों के कमेंट मैंने इस मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब आप सभी के जितने भी जो सवाल हैं इस प्रोडक्ट को लेके, उन सभी के मैं जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है सर्ज मैक्स कैप्सूल, ये अब नई पैकेजिंग में आने लग गया है, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा। ये मेरे पास पुरानी पैकेजिंग है, क्योंकि मैंने इसको दो पीस परचेज किए थे, तो एक तो खत्म हो चुका है, अब इसके अंदर कुछ ही पीस बचे हैं। तो ये इस तरीके के लाल कलर की पैकेजिंग में आते हैं, मैं आपको दिखा दूं। तो ये इस तरीके की पैकिंग में आते हैं। अब दोस्तों, इससे रिलेटेड आप लोगों के इतने सारे डाउट थे कि आप लोगों ने भर भर के मुझे कमेंट किए थे, तो सभी के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। तो ये दोस्तों मेंस हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो गई। और बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसके अंदर अश्वगंधा, सिलाचित, सफेद मूसली, गोक्षरा एंड शतावरी का यूज किया गया है। तो ये सारे नेचुरल और आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है। तो वैसे तो देखा जाए इनके किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन इसको लेने का एक प्रॉपर तरीका होता है। अब दोस्तों, मैंने आपको जो वीडियो में बेनिफिट्स बताए थे, वो बेनिफिट्स आपको तब मिलेंगे जब आप प्रॉपर अच्छी एक्सरसाइज करोगे, साथ में प्रॉपर डाइट लोगे और इसका सेवन करोगे। तो जो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए वो आपको मिलेंगे, और साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। अब मैं आप सभी के जितने भी कमेंट वगैरह हैं वो सारे ले लेता हूँ। मैंने आप सभी के सारे कमेंट निकाल लिए और मैं आपके सभी के जवाब देने वाला हूँ। तो अरमान भाई कहते हैं कि क्या इससे फैट बढ़ेगा? तो अरमान भाई, कि इससे आपको फैट बढ़ेगा अगर आप प्रॉपर वे में एक्सरसाइज नहीं करोगे। अगर आप एक्सरसाइज करोगे और इसका सेवन करोगे तो आपका फैट नहीं बढ़ेगा। पिंटू चौहान कहते हैं इससे वेट गेनर के साथ ले सकते हैं? तो इसे वेट गेनर के साथ पक्का ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। मनदीप माही कहते हैं प्राइस क्या है? तो भाई, इसका प्राइस लगभग 350 से 399 रुपए के समथिंग है, और ये मैंने अमेजन से परचेज किया था। तो परचेज लिंक मैं आपका अमेजन का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। महेश जाधव जी कहते हैं बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? तो इससे बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपको प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करनी है, और जो मैंने आपको सावधानी बताई है, जैसे कि अगर आपको पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको बीपी की प्रॉब्लम है, तो इसका आप यूज नहीं करना। अगर आप यूज करने की सोच भी रहे हो तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना। राजीव यादव जी कहते हैं सर क्या इसको मिल्क के साथ ले सकते हैं? तो जी हाँ, इसको मिल्क के साथ ही आपको लेना है। पानी के साथ अगर आप लेंगे तो भी ये ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप मिल्क के साथ लेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम वगैरह आपको नहीं होगी। जीतू दास जी कहते हैं प्री मैच्योर इजेकुलेशन की प्रॉब्लम में ये ले सकते हैं? तो जी हाँ, प्री मैच्योर इजेकुलेशन की प्रॉब्लम में भी आप इसको ले सकते हैं, काफी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इसका आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने इसका यूज करना चालू करा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, थोड़ा टाइम लगेगा 2-3 महीने का, लेकिन वो प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं आपको फिर भी बोल रहा हूँ, इसका यूज आप एक्सरसाइज के साथ में करेंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बाकी अगर आप इसी का सेवन कर रहे हैं तो आपको 20 से 30% ही रिजल्ट मिलेगा। अरुण कुमार जी कहते हैं एक कैप्सूल का दिन में 2 बार कैसे यूज करें? तो भाई, एक कैप्सूल आपको दिन में लेना है खाना खाने के बाद में, और एक कैप्सूल का आपको नाइट में लेना है खाना खाने के बाद में। यश भाई बोलते हैं भाई ये क्या प्राइवेट पार्ट को बड़ा करता है या नहीं? तो भाई, ये प्राइवेट पार्ट को बड़ा नहीं करता है, वो सिर्फ मिथ है। ये कि ये प्राइवेट पार्ट को इंक्रीज कर देगा वो सारी प्रॉब्लम को ये ठीक नहीं करेगा। जो नेचुरली प्रॉब्लम है जो ठीक की जा सकती है उनको ये ठीक कर देगा। मोहन जॉब जी कहते हैं क्या इसको गर्मी में ले सकते हैं या नहीं? तो मोहन भाई, इसको गर्मी में भी ले सकते हैं, बरसात में भी ले सकते हैं, सर्दी में भी ले सकते हैं, सभी मौसम में इसको ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। इंदौर आउटडोर ऑफिशियल भाई कहते हैं कि क्या इसको छोड़ने के बाद में कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं? तो अगर आप, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप एक्सरसाइज करोगे, इसका सेवन करोगे, जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो लाइफ टाइम रहेगा, परमानेंट रहेगा। लेकिन अगर आपने इसी का सेवन किया, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं की, लेकिन इसका जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, जो जैसा कि आप पहले थे वैसे ही हो जाओगे। यानी कि मेरा फोकस आपके लिए अब भी है कि आप प्रॉपर वे में एक्सरसाइज कीजिए, तभी कोई डाइटरी सप्लीमेंट लीजिए, वो तभी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट वही ले लिए। अगर आप दोस्तों, आपके एक एग्जांपल बताऊं कि अगर आप डायरेक्ट प्रोटीन पाउडर का ही सेवन करते जाओगे तो उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो आपकी बॉडी में कोई रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करोगे फिर प्रोटीन पाउडर का सेवन करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
पापी भगत जी कहते हैं ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो ले सकते हैं या नहीं, तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसका सेवन कीजिए। पहले डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको सजेस्ट करेंगे तभी आप इसका सेवन करना। किसान का दोस्त भाई कहते हैं क्या इसको 60 साल के कमजोर आदमी ले सकते हैं या नहीं, तो हाँ जी हाँ, इसको 60 साल के कमजोर आदमी भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा एक बार डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिएगा। हर्षित भाई कहते हैं अगर इसको खाना छोड़ दें तो क्या दोबारा पतला शरीर हो जाएगा, तो भाई दोबारा पतला शरीर नहीं होगा, अगर आप एक्सरसाइज करने के साथ में इसका लेंगे तो बिल्कुल आपका दुबला पतला शरीर दोबारा से नहीं होगा। लकी जी कहते हैं सर रेगुलर बेसिस पे कैप्सूल लेने से लीवर की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो आप ऐसा कीजिए कि 1 महीने यूज कीजिए, फिर 5 से 10 दिन के लिए आप रेस्ट ले लीजिए, फिर दोबारा इसका यूज करना चालू कर दीजिए, फिर दोबारा 5 दिन का रेस्ट ले लीजिए, फिर दोबारा यूज कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका जो भी भ्रम है कि आपको लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है वो बिल्कुल भी दूर हो जाएगी, और वैसे इसको रेगुलर लेंगे तो लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ओवरडोज से बचना, ज्यादा से ज्यादा 1 कैप्सूल 2 कैप्सूल ले सकते हो, 3 4 लोगे तो ओवरडोज हो जाएगा, फिर आपको लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। रिंकू राणा जी कहते हैं भाई मैंने कल खरीदा है इसको, और क्या इसको दूध के साथ ले सकते हैं या नहीं, तो रिंकू भाई इसको दूध के साथ ही आपको लेना है, पानी के साथ लोगे तो हो सकता है आपको कम रिजल्ट मिले, लेकिन दूध के साथ बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि दूध के साथ ही हम ज्यादातर जो डाइटरी सप्लीमेंट है उनको लेना प्रेफर करते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। भाई कितने साल तक के लोग इसको ले सकते हैं, तो जी हाँ 18+ के लोग जो भी हैं लड़के हैं वो इसका ही सेवन कर सकते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, यानी कि 80+ होना जरूरी है। उमेश सिंह जी कहते हैं प्राइस क्या है और कहाँ से ऑर्डर करें, तो प्राइस तो इसका 399 रुपये है अभी फिलहाल में, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी फिलहाल में अप्रैल में, तो अब पहले इसकी कम रेट थी, अब बढ़ा दी कंपनी ने और इसकी पैकेजिंग भी चेंज कर दी है, तो अभी इस फिलहाल में 399, और मैंने इसको अमेजन से खरीदा था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, जाके खरीद लेना। अविनाश मेश्राम जी कहते हैं सर सर्ज मैक्स का सेवन शादी से पहले या शादी के बाद करें, तो भाई इसका शादी से कोई लेना देना नहीं है, शादी से पहले या बाद में, मेरा तो कहना यही है कि जब आप मैच्योर हो जाते हो 80+ हो जाते हो तो आपको प्रॉपर वे में एक्सरसाइज चालू कर देनी चाहिए। दोस्तों एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देखने को मिलता है, आपकी हेल्थ बनती है, और फिर जो आप कहते हो ना कि शादी के टाइम पे हमें ये प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम हो रही है, मैं कहना चाहता हूँ वो आप समझ रहे होंगे, तो वो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी अगर आप प्रॉपर वे में एक्सरसाइज चालू करते रहोगे और डाइटरी सप्लीमेंट लेते रहोगे। फिर आप ये कमेंट नहीं करोगे मुझे कि यार शादी के टाइम पे हमें ये प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम हो रही है, ये सब होता है कि हम प्रॉपर वे में एक्सरसाइज नहीं करते, प्रॉपर वे में डाइट नहीं लेते। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिए होंगे, तो गाइस वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जो भी कमेंट करेंगे उससे रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।